मोदी पे भरोसा अखबार की सुर्खियों से पैदा नहीं हुआ, मोदी पे ये भरोसा टीवी पर चमकते चेहरों से नहीं हुआ। जीवन खपा दिया है, पल पल खपा दिया है। जो देशवासियों का मोदी पर भरोसा है, ये इनकी समझ के दायरे से बाहर है। मोदी तो 25 करोड़ देशवासियों के परिवार का सदस्य है, 140 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद, ये मेरा सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मोदी पे भरोसा अखबार की सुर्खियों से टीवी पर चमकते चेहरों से नहीं हुआ है। जीवन खपा दिया है, पल पल खपा दी है, देश के लोगों के लिए खपा दी है, देश के उज्जवल भविष्य के लिए खपा दी है। आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, जो देशवासियों का मोदी पर भरोसा है, ये इनकी समझ के दायरे से बाहर है और समझ के दायरे से भी काफी ऊपर है। क्या ये झूठे आरोप लगाने वालों पर, मुफ्त राशन प्राप्त करने वाले, मेरे देश के 80 करोड़ देशवासी क्या कभी उन पर भरोसा करेंगे क्या? आदरणीय अध्यक्ष जी, वन नेशन वन राशन कार्ड देश भर में कहीं पर भी गरीब से गरीब को भी जब राशन मिल जाता है, वो आपकी झूठी बातों पर, आपके गलत गलीच आरोपों पर कैसे भरोसा करेगा? आदरणीय अध्यक्ष जी, जिस किसान के खाते में साल में 3 बार पीएम किसान सम्मान निधि के 11 करोड़ किसानों के खाते में पैसा जमा होते हैं, वो आपकी गालियां, आपके झूठे आरोपों पर विश्वास कैसा करेगा? आदरणीय अध्यक्ष जी, जो कल फुटपाथ पर जिंदगी जीने के लिए मजबूर था, जो झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी बसर करता था, ऐसे 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को पक्के घर मिले हैं, उनको उनको तुम्हारी ये गालियां, ये तुम्हारे झूठी बातें कैसे, क्यों वो भरोसा करेगा? अध्यक्ष जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, 9 करोड़ लोगों को मुफ्त गैस का कनेक्शन मिला है, वो आपकी झूठ को कैसे स्वीकार करेगा? 11 करोड़ बहनों को इज्जत घर मिला है, शौचालय मिला है, वो आपके झूठ को कैसे स्वीकार करेगा? आदरणीय अध्यक्ष जी, आजादी के 75 साल बीत गए, 8 करोड़ परिवारों को आज नल से जल मिला है, वो माताएं तुम्हारे झूठ को कैसे स्वीकार करेगी? तुम्हारी गलतियों को, गालियों को कैसे स्वीकार करेगी? आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान भारत योजना से 2 करोड़ परिवारों को मदद पहुंची है, जिंदगी बच गई है उनकी, मुसीबत के समय मोदी काम आया है, तुम्हारी गालियां को वो कैसे स्वीकार करेगा?
कैसे स्वीकार करें। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपकी गालियां, आपके आरोपों को इन कोटि कोटि, आदरणीय अध्यक्ष जी आपकी गालियों को, आपके आरोपों को इन कोटि कोटि भारतीयों से होकर के गुजरना पड़ेगा, जिनको दशकों तक मुसीबतें में जिंदगी जीने के लिए तुमने मजबूर किया। आदरणीय अध्यक्ष जी, कुछ लोग अपने लिए, अपने परिवार के लिए बहुत कुछ तबाह करने पर लगे हुए हैं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए जी रहे हैं। मोदी तो 25 करोड़ देशवासियों के परिवार का सदस्य है। आदरणीय अध्यक्ष जी, 140 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद, ये मेरा सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। और गालियों के शस्त्र से, झूठ के शस्त्रास्त्रों से इस सुरक्षा कवच को कभी तुम भेद नहीं सकते हो, वो विश्वास का सुरक्षा कवच है और इन शस्त्रों से तुम कभी भेद नहीं सकते हो।